उन्नाव जिले की नगर पंचायत पूर्वा के अधिशासी अधिकारी के एन पाठक की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। पूर्वा नगर वासियों की माने तो छिड़काव और साफ सफाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। नगर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। छिड़काव के नाम पर जिस केमिकल और सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा था, नगर वासियों ने उसका सैंपल बोतल में लेकर जिलाधिकारी से शिकायत करने की बात की है, जिस पर उप जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और साफ सफाई का जायजा लिया, जिसमें अधिशासी अधिकारी के दावों की पोल खुल गई। आरोप है कि मीडिया में ये खबर छपने के बाद उन्होंने पत्रकारों से ही अभद्रता कर डाली। जानकारी ये है कि सैनिटाइजरिंग हो रही है कश्मीर में। मैं यही बाजार में बैठता हूँ, बराबर सैनिटाइजर का चल रहा है, लेकिन अभी मुझको ये मालूम हुआ कि दुर्गापुर के वासियों ने एक बोतल में मेरे पास सैंपल भेजा जी। उस सैंपल से तो लग रहा है कि इसमें सैनिटाइजर नाम की चीज़ हाई है। इसमें सिर्फ हम देखने से, हमारे पास दो चार आदमी और बैठे हैं, सिर्फ इसमें लग रहा है कि यह ब्लीचिंग है। तो इस पर आप क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? अगर कार्रवाई के हिसाब से देखा जाए तो मैं उप जिलाधिकारी DM से ये मांग करूंगा कि ऐसे कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गंदगी तो बहुत है यहाँ, ना कभी दवाई कोई छिड़कने आता है, मच्छर देखो कितनी, देखो गंदगी पड़ी है यहाँ पे। किसी से आपने कहा? जब किसी से कहा ही नहीं हमने, जब कोई आता ही नहीं तो किससे कहा। यार यहाँ की लाइट भी ख़राब होती, लाइट कोई सुधारने नहीं आता है, एक जलती देखो लाइट आ रही जल नहीं रही है। यार लाइट 10 बार कहे किसी काम के लिए 10 बार जाओ तो कोई सुनवाई नहीं होती है।